नासिक में नेपाल में लिंग रहते हैं ना, केदारनाथ में नेपाल में तो राधा लिंग है ना, पूरा दो मिनट के बताओ ना है? नेपाल में ही आधा रहते हैं ना लिंग रहते हैं नेपाल में ना, केदारनाथ में नेपाल में आप दो मिनट के एक लिंग दो ज्योतिर्लिंग बता देना नेपाल में दो मिनट के एक ज्योतिर्लिंग बताते हाँ बोलते बस्ती मारू आपने देखा नहीं? नहीं देखा आप पहले देख के आओ फिर बताओ नहीं छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं और बोल भी मार के देखेंगे तो पता चलेगा है और बाबा हाँ एक बोलने में बोला है बोलने में नहीं बोल रहा है जो पहला पहला एडवांस पार्टी का लिटरेचर निकला है ऑल इंडिया के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भेजा गया था संक्षिप्त में उस 9 पेज के कंप्लीट का हेडिंग था शिवका डमरू डम डम बोले अगम निगम के वेद खोले हाँ। माना क्या माना यही है कि जिस व्यक्तित्व के द्वारा वो कंप्लेट लिखा गया था वो डमरू जैसा पार्ट बजाने वाला है क्या डमरू क्या करता है कैसी आवाज करता है मन है उसकी जो आवाज है वो गगाहट की आवाज है कभी कोई के सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो बातचीत करके देखना कैसी आवाज ऐसी आवाज है जैसे गगाहट होगी और वो कभी एक तरफ बजता है और कभी दूसरी तरफ बजता है एडवांस ज्ञान में आने के बाद वो आत्मा कई बार ऐसे पार्ट बजाती है कभी ज्ञान के अनुसार राइटियस में बजता है और कभी अज्ञान अर्थात भक्ति मार्ग वालों की तरह बजता है माने मुख में से आवाज निकालता है कई बार उसने बच्चे की एडवांस की ज्ञान सुना और ज्ञान के अनुसार राइटियस बातें लोगों को बताई फिर दुनिया के संग में रह जा करके क्या हो जाता है बदल जाता ऐसा क्यों होता है आदमी को एक मुख से बात करना चाहिए या जैसे संग में आ जाए वैसे रंग की बात करनी चाहिए है? एक मुख की बात करनी चाहिए लेकिन उस आत्मा का पार्ट ही ऐसा है कैसा जल्दी से जल्दी और उनके संग के रंग में आ जाए वो
वहां पर ही जब शुरू होता है तो कौन सी आत्मा है जो सबसे पहले पतित बनती है, तमोपदान बन जाती है, और तमोपदान बनने के बाद तमोपदान बनेगा तो औरों के संग के रंग में आएगा, तो कौन है इस्लामी में ऊपर से आने वाला इस्लामी, या जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लामी, या जिसने प्रवेश किया उसको जन्म देने वाला इस्लामी? जन्म देने वाला वो है बीज, साकार मनुष्य शक्ति का, इस्लाम धर्म का साकार बीज, जिसमें वो प्रवेश करता है वो है मां, है आधार, इस्लाम धर्म की माता आधारभूत। अब वो आधारभूत हो या बीज रूप बाप हो, दोनों इतनी जल्दी पतित कैसे बन जाते हैं? जो द्वापर युग शुरू हुआ और दूसरे धर्म करवा दो गई, नहीं तो ऐसे भारतवासी देवताएं देवात्माएं भी तो है जो बाद में आकर के कन्वर्ट होते हैं, शुरुआत से कन्वर्ट नहीं होते। क्या कारण है कि वो आत्मा पहले कन्वर्ट हो जाती है? अरे संगति में ही कारण बना होगा ना, अच्छा आधारभूत में समझ लो, इस्लामियों का जो आधारभूत है वो कौन सा नारायण है? है जो कृष्ण वाली आत्मा जो फर्स्ट नारायण है उसका वारसदार बनेगा, कौन है सेकंड नारायण? जो सेकंड नारायण बनने वाली आत्मा होगी उसने संगम युग में भी अनुभव किया होगा ना कि ब्रह्मा बाबा के जितना हम नजदीक हैं, जितना हम जिम्मेवारी उठाते हैं, इतनी जिम्मेवारी और किसी ने नहीं उठाई होगी। कौन सी आत्मा थी? अरे पता नहीं, और माताओं का क्या उन्हें कुमार का दल? वो अपने मुख से कहती भी थी कि बाबा की गलती की अधिकारी हम ही बने, तो प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन में भी अधिकारी वो बनी, और यहाँ के जो स्वभाव भाव संस्कार है वो ले जाकर के सचिव में भी सेकेंड नारायण नारायणी बनते, लेकिन वो तो हमें आधारभूत है। आधारभूत जड़ों में ज्यादा ताकत होती है या उनके बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। वो बीज बेसिक में होते हैं या एडवांस में होते हैं? एडवांस में होते हैं। इसलिए एडवांस ज्ञान संक्षेपण से जब शुरू हुआ तो सारी मनुष्य शक्ति के चार बीजों का बीजारोपण हुआ। कौन से चार बीज? इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन और देवता धर्म। चारों ही बीज प्रैक्टिकल में साकार शरीर से दिल्ली में मौजूद थे, अभी भी नई दुनिया की स्थापना होने वाली है ना, दुनिया में स्थापना होने वाली है, है? हाँ। कौन से शहर में स्थापना होगी? दिल्ली में ही होगी। दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, दिल्ली कब्रिस्तान बनती है। कब्रिस्तान इसलिए बनती है कि दुनिया के जो बड़े से बड़े धर्म है, बड़े से बड़े धर्मों को फॉलो करने वाले ढेर के ढेर जो मनुष्य है उनकी ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में पॉपुलेशन जितना दिल्ली शहर के अंदर है दुनिया में, उतना और दुनिया का कोई शहर नहीं है।
जहाँ ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में इन चार धर्मों की पॉपुलेशन समाई हुई हो, कोई हो तो बताइए। लंदन है, लंदन है जहाँ चारों धर्मों के ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में लोग रहे पड़े हों? नहीं, वहाँ कितने नहीं जाते हैं? युवा है, युवा मास्को है, नहीं चीन का पैकिंग है, नहीं एक ही शहर है जहां सात धर्मों का फाउंडेशन भी पड़ता है। कब? जब दुनिया का विनाश होता है और जहां दुनिया की नई दुनिया की स्थापना होती है। तो शूटिंग पीरियड में भी कैसा होगा? शूटिंग पीरियड में भी ऐसी ही रिहर्सल होगी, ऐसा ही रिकॉर्डिंग होगा या कुछ दूसरा हो जाएगा? एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी 75 में जब बाप राम बाप प्रत्यक्ष होता है देवी देव का सनातन धर्म का भी, तो उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर ही कौन? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन के बीज भी होते हैं। उन बीजों में से एक बीज है इस्लाम धर्म का बीज। उसने अपनी प्रत्यक्षता अपने हिल स्टेशन में कर ली। शिव का डमरू डम डम बोले आगम निगम के वेद कुल, माने जिस समय वो पर्चा उसने 9 पेज का छपाया, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में भेजा, तो वो आत्मा किसके बुद्ध रूपी हाथ में फंसी हुई होगी? अरे डमरू किसके हाथ में होता है? शंकर के हाथ में ही डमरू होता है। लेकिन वो डमरू ऐसा है कि जब सतयुग रूपी सवेरे की शुरुआत होती है तो हर दिन पूर्व दिशा में पहले पहले कौन सा बड़ा सितारा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है? सारा नहीं, पूर्व दिशा में शुक्र तारा या सूर्योदय से पहले कौन सा सितारा दिखाई पड़ता है? हैं? शुक्र तारा। बाबा ने भी कहा विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो असरों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। वो शुक्र तारा ही है जो इस्लाम धर्म का बीज है। कामुकता का बीज होगा तो सबसे जल्दी पतित होगा या सबसे बाद में पतित होगा? है? सबसे ज्यादा पतन कौन से विकार से होता है? है? काम विकार से होता है। बेसिक नॉलेज में उस आत्मा ने जितना दृष्टि के द्वारा करक्षण फैलाया उतना और किसी ने नहीं फैलाया। बावन मुरली में नहीं कहा क्या कि स्त्री पुरुष दृष्टि का लेन देन करे उससे आत्मा पवित्र बनती है? कहा? नहीं कहा। लेकिन वो इस्लाम धर्म की आत्मा है, उसकी बुद्धि में ये बात पैरती नहीं। जैसे ऊपर से इब्राहिम आता है द्वापर के आदि में, तो उसकी बुद्धि में ये बात पैरती नहीं कि मेरी क्या भी कोई चीज खराब चीज होती है, बात कहती है नहीं। ऐसे ही उसका जो आधार मूर्त है उसकी बुद्धि में ये बात आ ही नहीं सकती कि दृष्टि का लेन देन विविचार है।
कराची से यज्ञ चलता चला आया, फिर हैदराबाद से भी आया, कराची में भी वो आत्मा निमित्त बनती रही, बाहर से रसद लाने के और अंदर की चीज बाहर ले जाने, और सब एक जगह इकट्ठे होकर के रह रहे थे। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि के संसर्ग संपर्क में थे और वो आत्मा मुसलमानों के संसर्ग संपर्क में आती थी रोज, उनके दृष्टि दृष्टि का कनेक्शन रहता था और रोज यज्ञ में घुस जाती थी। इसीलिए शास्त्रों में क्या दिखाया पांडवों के साथ है? कर्तव्यता जरूर होता है, तो चूटी हो गई। जब इतना करेक्शन में रहेगी वो आत्मा बाहर की दुनिया के करेक्शन में, तो उसका अंदर वालों में किसी के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो कोई आत्मा उसे झांसे में आ गई, कौन? और उसी बुद्धि में भी ये बात नहीं बैठती, न बैठी कि दृष्टि का लेन देन भारी ग्रस्त है। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला अंग आंखें हैं, उनका संग का रंग नहीं करना चाहिए, करना भी है तो एक बाप के साथ संग का रंग होना चाहिए, अनेकों के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एडवांस में बीज रूप आत्मा होती है, वो इसी बात में फेल हो जाती है। क्या उनके पूजा स्थल का नाम क्या होता है मुसलमानों का है? मस्जिद है, जिद करने वाली मिस, जिसका आधार लेता है अपने धर्म की स्थापना के लिए, वो बड़ी जिद्दी होती है। उसकी भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि दृष्टि का करक्षण भी कोई चीज होता है। इसलिए एडवांस में भी फाउंडेशन पड़ता है। तुम एक धर्म से कनेक्टेड वो आत्मा नहीं रहती, विधर्मियों के बीच में छह मुख्य धर्म हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख। बार बार भक्ति करने जाती है, बार बार भगवान के गुण दूसरों को सुनाती है बाहर जाकर, फिर संग के रंग में नीचे गिर जाता है। इतनी जल्दी पतन होता है। छह धर्मों के कनेक्शन में आ जाती है और छह मुख से बात करती है। एक मुख दिखाते हैं या छह मुख? छह मुख दिखाते हैं और उसकी मान्यता उत्तर भारत में ज्यादा होती है या दक्षिण भारत में? हाँ, दक्षिण भारत में भी होती है। अरे राम का बड़े से बड़ा भाई है, उसने राम वाली आत्मा की जरूर सृष्टि के आदि काल में ऐसी सेवा की है, इतनी पालना की है, इतना भरण पोषण किया है, जितना भरण पोषण दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। नहीं तो भगवान बाप का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो तो सीढ़ी के नीचे क्या दिखाया हुआ है? 40 वर्ष सीढ़ी के नीचे लिखे हैं, वो पूरा होने के बाद उसका पार्ट क्या है? अरे है, कौन भीख दे रहा है? भीख दे
दो विदेशियों के बीच में एक मुखिया होगा, तो जो पालन पोषण करने वाला है उसके लिए शास्त्रों में लिख दिया है विश्व वर्ण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत आस हो। क्या विश्व का भरत पोषण किया उसने? विश्व का नहीं किया, लेकिन विश्व पिता का तो किया। और ऐसे टाइम पर जब सारी दुनिया ने भी ठुकराया, ब्राह्मणों ने भी ठुकराया, क्या सारी दुनिया एक तरफ पोषण करने वालों के बीच में और एक आत्मा एक तरफ, तो विश्व भरण पोषण करने वाली कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी और कार्तिक के बीच में स्पर्धा हुई और उनको कहा जा पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ दुनिया का, तो कार्तिक के पास तो ओढ़ल भटोला था मयूर, और वो तो चक्कर लगाने उसको पहुंच गए, और गणेश जी के बेचारे के पास क्या था? चूहा था। और कहा भाई भटम भरे और कहा चूहा। लेकिन उस स्पर्धा में पहले विजयी कौन हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता ही उनके जन्मदाता हैं, जनक हैं, बीज हैं। उनका अगर चक्कर काट लिया तो जैसे सारी सृष्टि का चक्कर काट लिया। तो ये कथा कहानियां बनाई हुई है शास्त्रों में, कहां की यादगार है? संगमित की यादगार है। मानो क्या? जब बर्फ पड़ती है बर्फ से ढक जाता है बद्रीनाथ का मंदिर, तब किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा जो हम पूछ रहे हैं उसकी बात बताओ। वहां जब जोर से बर्फ पड़ती है 6 महीने और उस बर्फ में सारा मंदिर और सारा मोहल्ला डूब जाता है ढक जाता है, तब किसकी पूजा होती है? और जब बर्फ गर्मियों में हट जाती है तो बद्रीनाथ की पूजा होती है। तो पूरी बात तो बताओ। अब की बार पूरा समझ के आना फिर पूजना। हमने बाबा ने खिलाते हुए फोटो है चने और क्या बात हुई प्रसाद की तौर पर चने खिलाया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ उससे? क्या खास बात हो गई? अरे नैया चना अभी नहीं खिलाते हैं क्या कभी टोली में? ब्रह्मा कुमारियां मोस्टली जब ले जाती हैं पार्टी बना करके तो रास्ते में नैया चना खिलाती नहीं है। उसका फाउंडेशन किसने डाला हुआ है? ब्रह्मा बाबा ने डाला।
अकल गए। वेदांती का मतलब क्या है? वेदांती का मतलब वेदों का अंत कर दिया आने के बाद तो माने वेद शास्त्र जो भक्ति मार्ग है ना, वो भक्ति मार्ग का अंत होने लगता है। जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे वो सब क्या होने लग पड़ेंगे? टूटने लग पड़ेंगे। तो वेदों और शास्त्रों का अंत हो जाएगा या रह जाएंगे? तो बाबा ने जो नाम रखा वो सही और सार्थक नाम रखा या झूठा नाम रखा? बाबा ने तो सही नाम रखा। वेद माने जानकारी, विद माने विद माने विद जिससे बनता है विद्वान, ज्यादा जानकारी रखने वाला। तो शास्त्रों में सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता तो है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि कुरान और बाइबल इनमें ज्ञान नहीं है? अज्ञान ही अज्ञान है। बाबा उससे तो आत्मा परमात्मा का कोई जिक्र नहीं है। आत्मा और परमात्मा का कोई जिक्र नहीं है। लो, परमात्मा को पहचानने वाला नर से नारायण बनेगा या मनुष्य ही बना रह जाए? हाँ, तो परमात्मा की बात उसमें कहाँ से आएगी? क्राइस्ट की जीवन कहानी हो सकती है, लेकिन क्राइस्ट परमात्मा तो नहीं है। अब कृष्णा और क्राइस्ट का राशि एक ही बोलते है ना, तो कृष्ण के पास गाय का बच्चा को गाय को दिखाते है ना, और क्राइस्ट का हाथ में चोर का बकरी का बच्चा को दिखाते हैं। क्यों है? कृष्ण के पास दोनों का राशि एक ही मिलता है ना, तो कृष्ण के पास गाय का बच्चा गाय को दिखाते हैं, ऐसा ही क्राइस्ट के हाथ में छोटा सा बकरी का बच्चा को दिखाते हैं। माना ये क्या है मतलब? ब्रह्मा बाबा ने कोई वेद की बकरी चराई होगी पुरुषार्थी जीवन में? जो बकरी सदैव मैं नई दुनिया स्थापन करूंगी, मैं नई दुनिया स्थापन करने वाली हूँ, और भगवान कोई नहीं होता, ऐसी कोई बकरी उन्होंने पाल के रखी थी? रखी थी क्राइस्ट? ऐसी उसको फॉलो करते नहीं फॉलो करना चाहिए क्राइस्ट को? पहले कृष्ण हुआ या पहले क्राइस्ट हुआ? पहले कौन हुआ? कृष्ण हुआ। तो कृष्ण महान को क्राइस्ट फॉलो करेगा या क्राइस्ट को कृष्ण फॉलो करेगा? कृष्ण को क्राइस्ट फॉलो करेगा। तो क्राइस्ट ने अगर बकरी पाली, बकरी की बच्ची या बच्चा पाला, तो किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। तो कृष्ण ने क्या गैया चराई? जो बेसिक नॉलेज में पार्ट बजाने वाली आत्मा कैसे की है, उसने बकरियों को चराया या गैया चराई? बकरियों को चराई। तो गैया कहाँ चराई? संगम की कृष्ण की बात है। हाँ हाँ, संगम में जो अधूरा कृष्ण है, क्या संपन्न स्टेज वाला कृष्ण नहीं है, उसको क्राइस्ट ने फॉलो किया। और बाबा आप क्या समझते हैं कि कृष्ण ने क्या कामधेनु गैया चराई, नंदनी को चराई? नहीं, जो संपूर्ण कृष्ण है वो गैया चराता है, और अधूरा कृष्ण बकरी चराता है। अधूरे कृष्ण को और धर्म पिताओं ने फॉलो किया होगा,
क्या है अभी? हाँ दिल्ली से निकला है स्थिर चर्चा। दिल्ली से क्या निकला? स्थिर चर्चा मतलब चला है हर गांव में, उसको महत्व क्या है? स्थिर चर्चा दिल्ली से चला है तो हर गांव में उसको नाम दे रहे हैं, तो क्या चीज होगा तो समझा? स्थिर चर्चा क्या दिल्ली से निकला है? कौन निकला है उसको नाम बोल रहे हैं, उसको मतलब क्या है, क्या चीज है? हर शहर में मतलब है गांव में उसका ही नाम, हर गांव में। क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? भाषा ज्यादा समझते आप नहीं समझ रहे हैं? हाँ कोई नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ क्या वाले समझेंगे? क्या वाले समझेंगे? गांव में निकला हमने देखे तो चीज मतलब आप उसकी ज्ञान बोलते हैं तो वो अभी चर्चा लिखा रहे, तो वो दिल्ली से निकला तो क्या मतलब निकला चर्चा? वही मेरे को नहीं समझ रहा है। अरे तो भगवान शिव प्रत्यक्ष कहाँ से होता है? कौन सा कह रहे हैं जहाँ से भगवान बात कैसे आती है? दूसरा ज्ञान बोल रहे हैं। हाँ दूसरा सही हो, दुनिया में तो फॉलो करते हैं लेकिन असलियत कहाँ फाउंडेशन पड़ता है? असलियत फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। तो संगम युग में कौन सा शहर है जहाँ से बाप प्रत्यक्ष होता है? कौन सा शहर? तो कोई दूसरे फॉलोअर्स भी ऐसे निकल पड़े होंगे। हम लोग क्या क्या करते हैं असलियत में? तो शिव बाप जो है वो दिल्ली से ही प्रत्यक्ष होता है। दिल्ली में तो ज्यादातर जय माता जी, जय माता जी। वो कलयुग के अंत में जय माता जी होती है या जब भारत माता प्रत्यक्ष होगी संसार में दिल्ली में, उस समय है की बात है, है? हाँ उससे पहले की बात है। जय माता दी, जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा तो नारायण के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा ना, और नारायण का आधार कौन है? आधार वो तो नारायण ही है, भारत माता। भारत माता जब प्रत्यक्ष होगी तो उस समय जय माता दी करेगी या जय पिताजी कर देगी? क्या करेगी? है? हाँ। जो माताएं सिर्फ अपनी प्रत्यक्षता करने में लगी रहती है बच्चों के सामने, बाप को गुप्त कर देती है, वो माताएं भारतीय माताएं नहीं है। भारत माता की क्या विशेषता है? इसके पीछे मर मिटती है सारा जीवन है बाप के लिए। लक्ष्मी को अष्टलक्ष्मी दिखाते ना, है लक्ष्मी एक ही रहते ना, भक्ति मार्ग में अष्टलक्ष्मी को पूजा करते ना, अष्टलक्ष्मी रहता एक ही लक्ष्मी रहता। दीपावली पर एक लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि आठ लक्ष्मी की पूजा करते हैं? एक ही तो करते भक्ति मार्ग में आठ ऐसे तो कहते हैं। घर घर में जब शादी होती है बहू आती तो कहते घर में लक्ष्मी आई, आप कहाँ घर घर में लक्ष्मी कहने वालों की क्या है? कुछ भी कहते मंदिर बना रहे ना भैया, बात नारी से लक्ष्मी बनने वाली तो एक ही है। और आठ नारायण भी नहीं होते हैं, वो कम कला वाले होते हैं, तो उनकी नारायणी भी कम कला वाली होगी, उनकी पूजा नहीं होती है। सोलह कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है, उनकी पूजा होती है, खंडित की पूजा नहीं होती है। Thank you.
खेल कोई भी खेल तो नियम होते हैं और खेलने का ढंग रहता है। जब तक हम नियम और खेलने का ढंग सही तरीके से अलग समझेंगे हम खेल को अच्छी तरह नहीं खेल सकेंगे। ठीक है। और एक और बात, हर नियम गेट आउट कर दिए जाएंगे, कोई भी नियम हम छूटे तो फॉल किया जाता है, फॉल कराया जाता है। आउट हो गया। जब तक हम खेल को अच्छी तरह नहीं समझेंगे और हर धर्म का सही तरीके नहीं समझेंगे हम इस खेल को अच्छी तरह खेल नहीं पाएंगे। ठीक बात है। और हर धर्म का नष्ट और लाभ ठीक है। वही बोलते हैं कि हम कर्म सही तरीके से नहीं कर पाते। हाँ तो बाबा तो सिखा रहा है, बाबा जो सिखामणी दे रहा है, समझानी दे रहा है, वो संपूर्ण समझानी दे रहा है, संपूर्ण सिखावणी दे रहा है, ये अधूरी दे रहा है। बाबा आपको संपूर्ण पढ़ाई दे रहा है या अधूरी पढ़ाई दे रहा है? बाबा तो संपूर्ण पढ़ाई दे रहा है। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, नंबर वन, कोई पढ़ाई में ज्यादा होशियार है, कोई कम होशियार है। उसको बता दिया ना, बनी बनाई बन रही, अब अगर जो बने नहीं जा रहे, सब जन्म में जैसा जैसा जिसने किया है वैसी वैसी लास्ट जन्म में ये बुद्धि, अपनी अपनी बुद्धि की नियामत हरेक को मिली हुई है। ये भगवान के द्वारा ऐसे समझा जा सकता है कि हजार नियामत हरेक को मिली हुई है, बुद्धि रूपी नियामत जन्म से मिली हुई है। अब कोई समझता है ज्यादा, कोई समझता है कम, किसी के पीछे 63 जन्मों का हिसाब किताब माया के रूप में ज्यादा सामने आता है, बंधन में डाल देता है। कोई आत्माएं चाहते हुए भी ज्यादा बंधन होने के कारण पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है। और कोई आत्मा ऐसी है कि पूर्व जन्मों के कर्म उनके ऐसे हैं, इस वर्तमान ब्राह्मण जन्म में एकदम स्वच्छंद है, फ्री है, निर्बंधन है ईश्वरीय सेवा के लिए। तो किया हुआ किसका है, है? है? पड़ेगा ना, पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का ये लास्ट जन्म में चुकता होना है तो फर्क नहीं पड़ेगा, है? पड़ेगा। हाँ, ब्राह्मण बनने के बाद अभी जो हम पाप कर्म कर रहे हैं उनका ज्यादा हिसाब किताब बने, 100 गुना हिसाब किताब बन जाता है। ये बात है ना, ब्रह्म ड्रामा तो शूटिंग नहीं होती है, ब्रह्म ड्रामा तो प्रैक्टिकल होता है, शूटिंग अभी हो रही है। हाँ, अभी हमारी मुट्ठी में है तकदीर, ऐसे नहीं है भगवान ने हमारी तकदीर बनाई या बिगाड़ी, नहीं, अभी हरेक की अपनी मुट्ठी में अपनी तकदीर है। हिम्मत करेगा तो बाप मदद जरूर करेगा। मनुष्य के बुद्धि में कैसे आया कर्जा भी?
तलवार भी नहीं है। जब चारों तरफ ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, हर जन्म में ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी। और वो अपनी पूजा लेने वालों ने कह दिया या सबने कह दिया? पहले किसने कहा? जिनके दिल के अंदर अपना मान मर्तबा पूजा लेने का भाव था उन्होंने ऐसा कहना शुरू किया या सामान्य लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया? किसने कहा? अरे जो अपनी पूजा कराना चाहते हैं, अपने को संसार के सामने ऊंच साबित करना चाहते हैं, ज्यादा मान मर्तबा लेना चाहते हैं, उन्होंने ये युक्ति निकाली कि वो हम दूसरा कोई सभा में प्रश्न करता है जब परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम आपका भाषण क्यों सुने आकर के? हम जाते हैं तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने ये बात बोली हुई है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई ज्ञानी पुरुष है जो सर्वव्यापी को जानते हैं, कोई अज्ञानी है वो नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो पाप कर्म करते हैं, उसकी हत्या की, उसकी हत्या की, उसकी हत्या की। अश्रो का विचार सुन लेते हैं कि हाँ गुरु जी जरूर अच्छे होंगे, ये तो कोई हत्या नहीं करते हो, लेकिन गुरु जी की जो नजदीक जिंदगी भर रह करके जानेगा वो तो समझेगा कि गुरु जी क्या करते हैं। ऊंच पद पाना और नीच पद पाना ये बुद्धि की कमाल है या किस बात की कमाल है? बुद्धि की कमाल है। तो जो ऊंच से ऊंच बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है वो परमधाम में बैठी हुई बिंदी कही जाती है या वो बिंदी किसी मुकर्र रस में प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाती है वाचा का, कर्मेंद्रियों का, वाइब्रेशन का, दृष्टि का, जिसके आधार पर संसार में संसार का हर मनुष्य मात्र उसको ऊंच साबित कर देता है। तो बुद्धि माने की बुद्धि लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। सारी दुनिया बुद्धिमानों की चढ़ाई चलती है या बुद्धुओं की चढ़ाई चलती है? बुद्धिमानों की चढ़ाई चलती है। तो जब ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि सारी दुनिया की जितनी भी थ्योरीज है, मेथोलॉजीज है, फिलॉसफी है, वो गाफिल साबित हो जाएगी। क्या? और एक ईश्वरीय फिलॉसफी वो सारी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि यही सत्य है। तो बुद्धि वाले की बुद्धि साबित नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? भाई ज्योतिर्लिंगम कैसे स्थापना हुआ? हमारा ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं ना, वो कैसे स्थापना हुआ? हर चीज की स्थापना संगम में होती है या भक्ति मार्ग में होती है? संगम में। तो संगम में जो स्थापना होती है वो चैतन्य आत्माओं के द्वारा होती है या जड़ पत्थर का लिंग होता है? चैतन्य आत्माओं की बात है, लेकिन भक्ति मार्ग में पत्थर का लिंग बनाते हैं। वास्तव में जो भी बारह ज्योतिर्लिंगम के समान विशेष आत्माएं हैं, जो ज्ञान के ज्योति का लिंग प्रसिद्ध हो जाती है, वो आत्माएं पहले
ज्ञान लेने से पहले पुरुषार्थ करने से पहले पत्थर बुद्धि थी या ज्योतिर्लिंगम थी? पत्थर बुद्धि थी। तो भक्ति मार्ग में पत्थरों की स्थापना तो कर लेते हैं लेकिन ज्योतिर्लिंग नहीं बना सकते। ज्यादा करेंगे, बहुत करेंगे तो प्रधान बुद्धि बनेंगे। तो द्वापर के आदि में पत्थर का, लाल पत्थर का लिंग बनाया और उसमें हीरा जड़ दिया। वो हीरा भी जड़ है या चैतन्य है? वो भी जड़। तो भक्ति मार्ग में सब होता है इमिटेशन। स्थापना वास्तव में होती कहाँ है? यहाँ संगम में। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, 500-700 करोड़, सब है 12 के अंदर बटे हुए हैं या 13 के अंदर है? 12 के अंदर बटे हुए। कोई भी ज्योति चीज जाके पूछ लो, 12 ही राशियां हैं। जब वो ग्रहण लगता है ना, तब जो खाना बनाते हैं वो सुबह का खाना रात में दिखाएंगे, फिर वो ग्रहण लगने का समय भी कोई खाना नहीं खाते है ना, ऐसा हम भी वो करना, ये भक्ति मार्ग का काम होता है। कोई कोई हमको पूछेंगे इसलिए जो भक्ति मार्ग में ग्रहण लगता है वो जड़ चांद और सूरज के लिए समझते है या चैतन्य आत्मा के लिए समझते है? जड़ के लिए समझते। वास्तव में है चैतन्य की बात या जड़ की बात? विकारों का ग्रहण तो चैतन्य को लगता है या जड़ को लगता है? चैतन्य को लगता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हम बच्चे जानते हैं कि राम वाली आत्मा है ज्ञान सूर्य और कृष्ण वाली आत्मा है ज्ञान चंद्रमा और जगदम्बा वाली आत्मा है पृथ्वी। सूरज और चांद दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, धरती माता है ना, माताओं की माता है ना, उसके पीछे सारी माताएं लगी हुई है ना, वो धरणी रूपी माताओं का जो पथ है, इधर सूर्य है ना, धरणी बीच में आ गई, वो धरणी रूपी माताओं कन्याओं का परछाया कृष्ण बच्चे के ऊपर पड़ा। तो बच्चा बुद्धि है कि नहीं? उस बच्चे के ऊपर परछाया पड़ा तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बच्चा प्रभावित हो जाता है। किससे प्रभावित हुआ? कन्या माताओं के परछाई में आकर के प्रभावित हो गया। तो जब प्रभावित हो जाता है तो क्या समझता है? सूर्य बाप गंगा है, अंधेरे में है, अज्ञानता में है, या पृथ्वी अज्ञान अंधेरे में है, या हम बच्चे अज्ञान अंधेरे में? माता के प्रभाव में है ना, जैसा माता कहेगी वैसा बच्चा समझे। कृष्ण बच्चा सारी सृष्टि का पहला पत्ता है, पहले पत्ते को ही सारी दुनिया फॉलो करेगी या किसी और को फॉलो करेगी? सारे उसको फॉलो करते। तो जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो पृथ्वी या धरती माता के परछावे में आ जाते हैं, तो धरती माता को फॉलो करने वाली ज्यादातर कन्या माता है तो वहां देखी जा रही है विदेशित में, लेकिन आगे चल के एडवांस में भी ढेर की ढेर देखने में आ रही है जो जगदम्बा को ही फॉलो करेंगी। एडवांस में रुद्रमाला है ना, क्या रुद्रमाला जो है इतनी तो अंधी है कि जगदम्बा अभी रंगमंच पर 10 साल से पार्टी ही नहीं बजा रही, फिर भी जब रजिस्टर लेते हैं अम्मा बाबा
तो अम्मा किसको समझते हैं बताओ, किसको समझते हैं? ज्यादातर ऐसे है जो अम्मा जगदम्बा को ही समझते हैं, लेकिन वो है नहीं प्रैक्टिकल में अभी। अम्मा जो है, अम्मा के रूप में रुद्रमाला के मंत्रों अथवा एडवांस पार्टी की पालना करने वाली कोई माता प्रैक्टिकल में और है जगदम्बा? नहीं है। फिर भी पत्थर बुद्धि क्या समझे बैठे अम्मा? तो किसके प्रभाव से प्रभावित है? जगदम्बा के प्रभाव से प्रभावित है। तो ग्रहण की चूटे हो रही है कि नहीं हो रही? तो क्या क्यों छोड़ देना? अरे जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ा और भक्ति मार्ग वाले कहते हैं चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये कृष्ण वाली आत्मा जप ली गई है, विकारों ने उसको बुद्धि को क्या कर दिया है? व्यक्त कर दिया है। तो जब चंद्रमा वाली आत्मा विकारों से ग्रस्त हो जाएगी, काम विकार भोगेगी कि नहीं भोगेगी? और उसके पीछे जितने पत्ते हैं वो काम विकार भोगने में लगेंगे या जीतने में लगेंगे? है टाइम लगेंगे, भोगने में लगेंगे। तो जो भोग भोगा, जो भोग रहे हैं चंद्र ग्रहण के समय, भोग भोगने को ही भोग लगाना कहते हैं ना, तो अच्छी बात है खराब बात है? ये तो खराब बात होगी। तो जब तक चंद्र ग्रहण है तब तक भोग क्या करना चाहिए? खाना नहीं खाना चाहिए। उन्होंने स्थूल खाने को लगा दिया है, कौन से खाने की बात? स्थूल भोजन की बात है या सूक्ष्म जो आत्मा का भोजन है, सुख भोगने वाली बात, वो भोजन है? वो आत्मा का भोजन है। कलयुग द्वापर में आत्मा का जो भोजन है वो विकारी भोजन है। जो भी हम खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, आजकल की दुनिया में तो और ही उसमें यूरिया मिला हुआ है, केमिकल मिला हुआ है। तो सब फॉलो कर रहे हैं चंद्रमा को, ऐसे ही सूर्य पृथ्वी एक तरफ, बीच में आ गया चंद्रमा, दूसरी तरफ सूर्य, चंद्रमा बीच में आया तो चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है सूर्य फिर दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है दिखाई नहीं पड़ेगा। पृथ्वी वासियों को ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा का उन ब्राह्मणों को जो पृथ्वी को पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके ऊपर परछाया पड़ता है। इसका इसका परछाया पड़ता है, चंद्रमा का परछाया पड़ता है, चंद्रमा के प्रभाव में आ गए ना। तो जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रभाव से प्रभावित हो गए बच्चे जो पृथ्वी का आधार लिए हुए हैं, तो वो सूर्य को अज्ञानी समझते हैं, चंद्रमा को अज्ञानी समझते हैं या खुद अज्ञान अंधेरे में है? खुद अज्ञान अंधेरे में है, लेकिन समझते हैं कि सूर्य जो पूरा ग्रहण लग गया है, सूर्य है जो ज्ञान सूर्य बाप राम है ना, तो उसको विकारों ने खा लिया, वो विकारों में फंस गया, पूरा डूब गया। समझते हैं या नहीं समझते हैं? अनिश्चय आता है कि नहीं आता है कभी कभी? गुण माता गुण जन गया।
ये किसने कहा आपको साथ नहीं कर रहा है? तुम्हें उसकी तुम उसके दिल के अंदर घुसे हुए हो कि उसे ज्यादा बुद्धि के अंदर याद किसकी आ रही है? जिसके साथ रहती है, जिस कीचड़नुमा व्यक्ति के साथ रहती है, जिसकी बुद्धि कीचड़ में फंसी हुई है, उसकी याद आती है या उसी की याद आती है जिसके माथे पर महाकाली के माथे पर शंकर दिखाया गया? ये है कीचड़ में रहते हुए समन भूल समान पुरुषार्थी, जो विष्णु के चित्र में चौथे पांचवें नंबर का हाथ दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड नीचे की ओर, उसमें काय का फूल दिखाया गया है, कमल का फूल। कौन सी आत्मा की यादगार है? जगदम्बा की यादगार है। अगर महागौरी है पाठ बजाने वाली आत्मा, वो ऐसे वातावरण में रख दी जाए, टीचर के ग्रस्तियों के बीच में रख दी जाए, तो उसकी दुर्गति हो जाएगी या सदगति होगी? है दुर्गति हो जाएगी। वो है गुलाब का फूल, एक देसी गुलाब होता है ना, उसको टीचर में डाल लो फिर निकालो, एक भी पंखुड़ी बचेगी नहीं। वो है रुद्रमाला का कमल का फूल, उसकी डंडियां ही नहीं, उनकी जो पंखड़ियां हैं वो भी इतनी पावरफुल होती है कि कीचड़ के बीच में रहेगी तो भी बुद्धि से निर्लिप्त रहेगी, उसी की याद आएगी। किसकी? जिसके साथ बढ़िया से बढ़िया पार्ट बजाया है। हाँ अभी बताया गया, क्रॉस करो। मामा बाबा लिखते हैं, वो मामा तो आजकल उन्हीं को ही समझा जा रहा है, और एक तरह मुर्ली नहीं तरह क्या है आजकल से तुम्हारी जगदम्बा है या ब्रह्मा, जरूरी चौड़ा होने के कारण वो क्या था मामा जगदम्बा का तो फिर अभी वास्तव में जगदम्बा किन को समझाया जाए? जगदम्बा का पूजा दो चौकी है बोला, पूजा का आधार है पवित्रता, तो समझ गए। पूजा जो है वो शरीर की जाती है, मूर्ति की जाती है कि जिंदी आत्मा की जाती है? की जाती है शरीर की जाती है, मूर्ति की जाती है। अभी ब्रह्मा की सोल शरीर है, यह बिंदी आत्मा है, खास करके जब रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करती है तो उसकी बीज रूपी चीज बनती है, यह शरीरधारी बिंदी है। तो जगदम्बा में भी जब प्रवेश करती है तो क्या है? बिंदी। बिंदी की पूजा होती है या शरीरधारी की पूजा होती है? शरीर पवित्र बनता है या आत्मा पवित्र देखने में आती है? शरीर पवित्र बनता है, शरीर अपवित्र बनता है, आत्मा के आधार पर बनता है। ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश है तमोप्रधान, जब वो तमोप्रधान सोल उसमें प्रवेश होती है तब वो जगदम्बा जो है किसके प्रभाव में आ जाती है? गीता का भगवान कृष्ण बन गया होता है। ये द्वापर युगी शूटिंग की शुरुआत सन 98 के बाद होती है। बच्चा भूल गया? नहीं नहीं, आत्मा शरीर छोड़ते है तो अमावस्या अष्टमी बोले था ना, आत्मा से छोड़ती है शरीर छोड़ते ना, अमावस्या अष्टमी आते ना शरीर छोड़ने छोड़ते टाइम में,
आए तो घर छोड़ना बोल रहे घर में अमावस्या ना अमावस्या में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है घर में खाली करना भक्ति मालूम हाँ अब बात की चैनी कहाँ से करना है जो चैनी में रहना पड़ता है वो कौन से दिन पड़ता है दूध तीज चौथ पाँच छठे सात आठ त्रयोदशी को पड़ता है या अमावस्या को पड़ता है कब पड़ता है सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है और चंद्रग्रहण पूर्णमासी को पड़ता है तो जिस दिन अमावस्या है वो बात हो रही है अमावस्या को सूर्य ग्रहण देखकर देखा जाता है तो सूर्य ग्रहण तो वास्तव में पड़ता ही नहीं है लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसी मान्यता है कि जब अमावस्या है यानी ब्राह्मणों ने ये समझ लिया कि सूर्य विकारों में क्या हुआ सूर्य विकारों में डूब गया तो उस दिन मौत नहीं होनी चाहिए क्या सूर्य जब विकारों में डूब गया तो दुनिया में अंधेरा हो गया या उजेला हो गया अंधेरा हो गया अज्ञान के अंधेरे में अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो जन्म कहाँ देगा अज्ञानता में जन्म लेगा इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसा मान्यता बनानी क्या कि अमावस्या को शरीर छोड़ना है तो क्या होगा मरना है तो क्या होगा दुर्गति हो जाएगी नर्क में शरीर छोड़ेंगे तो नर्क में जन्म लेंगे और सतगुरु की स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे यहाँ की बातें संगम युग की वहां उन्होंने भक्ति मार्ग में जन्म की बातें बनाई है पूरा उल्टा बात हाँ ये देवान का कमाल है झूठी बात हो गई साइंस वालों से फिर बात करना अभी वो गया ही नहीं हाँ पहुंचा ही नहीं दूर से ही चित्र लेकर के आया बुद्धू बना बुद्धू बना दिया लोगों को अभी जो नई खोज हुई है वहां उन लोगों से पूछो आर्म स्ट्रांग जिसे नील आर्म स्ट्रांग कहा जाता है वो चंद्रमा पर पहुंचा या नहीं पहुंचा किसी नहीं पहुंचा ही नहीं दुनिया वाले हैं दुनिया वाले अज्ञानता में आ जाते हैं तो कुछ भी कहने लग पाते कुछ होगा उसको श्रद्धांजलि देंगे और कुछ है ही नहीं उसको श्रद्धांजलि देंगे अरे श्रद्धा विश्वास जो मौजूद होगा उसके सामने व्यक्त करेंगे जो है नहीं उसके सामने व्यक्त करेंगे उसके सामने करना चाहते कहाँ करना चाहिए शरीर भी नहीं है उसका और आत्मा का भी पता नहीं है उसका फिर श्रद्धांजलि किसको अर्पण करना ऐसा ही भक्ति मार्ग की बात हो गई ना अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बात है
प्राप्त करना। वो ये शास्त्री पढ़ता रहता है, शास्त्रों में जो लिखा है वो ही पढ़ते रहते हैं। बाबा जी मुरली पढ़ने में दिल ही नहीं लगता, अभ्यक्तवाणी में दिल ही नहीं लगता, उसके क्लैरिफिकेशन में दिल ही नहीं लगता। क्या करते हैं, शास्त्र की बातें किसी ने लिखी है। विद्यार्थी जीवन के पंच लक्षण है, कागचित्ता बनु बको ध्यानम अल्पाहारी स्वान निद्रा ग्रह त्यागी। हाँ, ये ब्राह्मण की दुनिया में ऐसे करना है क्या? काफी चेष्टा करनी है, काल की क्या चेष्टा होती है, कौआ की क्या चेष्टा है? खुद गंध खाता है, दूसरों को भी बुलाता है। जो द्वापर युग से शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा डिफेक्टेड है या अच्छी शिक्षा है? डिफेक्टेड शिक्षा है, विकारों की ओर लेकर जा रही है, गंध खाने की ओर जा रही है, और दूसरों को भी बुलाते हैं, आओ खाओ खाओ पाओ पाओ पाओ। बको ध्यानम, बगुला का ध्यान, बगुला और हंस, इनको अर्थ पर दिखाया जाता है। कहाँ बगुला और कहाँ हंस, किसका ध्यान अच्छा होगा? हंस का ध्यान अच्छा होगा, वो नींद फिर भी रही होता है। अब बगुला का ध्यान कैसा होगा? तपस्या जैसे करते हैं, वो देखने में तो आएगा तपस्या कर रहा है, लेकिन उसकी एक आंख कान ही रहती है। ब्राह्मण की दुनिया में ऐसे बको ध्यान वाले बहुत हैं, चलते तो ज्ञान में है लेकिन याद में बैठेंगे तो बाबा की दृष्टि उनसे नहीं मिल पाती है। बाबा उधर ही देखते रहते हैं, कोई भी इधर उधर के। मछली जो होती है ना, वो मछली में गंध निकलती है कि नहीं निकलती है? है? निकलती है। बगुला गंध ही खाता है, मरी हुई भी मछली आ जाएगी बहते हुए तो भी वो बको ध्यानम बगुला उसको गपकेगा कि नहीं गपकेगा? है, बिल्कुल गपक लेगा। मरी हुई मछली किसे कहा जाता है? मरी हुई मछली उसे कहा जाता है जिसके ऊपर पहले ही कोई वार कर चुका है, मार दिया है। तो बको ध्यानम अल्पाहारी, क्या भक्ति मार्ग में जो आहार समझते हैं वो कौन सा आहार है? स्थूल भोजन को, स्थूल भोजन को आहार समझते हैं, समझे? और हमारे ज्ञान मार्ग में भोजन क्या है? नहीं, ज्ञान तो जग है, ज्ञान दूध कहा जा सकता है, ज्ञान का रस कहा जा सकता है, भोजन तो है ये याद का भोजन। तो स्वल्प कम याद करना ये विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए क्या? है, अरे विद्यार्थी को जो ब्राह्मण विद्यार्थी है उसको और ज्यादा याद करना है या स्वल्पाहारी स्वल्पाहार करना है? ज्यादा याद, भक्ति मार्ग में ज्यादा बोलता स्वान निद्रा,
श्वान माने कुत्ता। कुत्ते की निद्रा कैसी होती है? नहीं किसी ने समझा नहीं। अरे कुत्ते की निद्रा की खास विशेषता क्यों, कुत्ता लोग क्यों पालते हैं? आदमी तो आराम से सो जाते हैं, 12-1 बजे तक बिकारी भोग भोगे, अब थक गए, अब उनको डर ये है कि चोर आके चुरा ले जाएगा सब कुछ। तो ऐसे प्राणी को पालो जो चोर की थोड़ी सी सजा पांव की आवाज आए और वो दर्द से जम जाए। कुत्ते का ऐसा स्वभाव होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इन्होंने बता दिया श्वान निद्रा। श्वान निद्रा माने विद्यार्थी की श्वान निद्रा होनी चाहिए, माने कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। क्या कोई थोड़ी सी भी आवाज हो तो उधर मुझे चली जाए, ये अच्छी बात है क्या योगी के लिए? अरे योगी को तो ऐसा होना चाहिए कि रेलवे स्टेशन के महानगर के प्लेटफार्म पर बैठ जाए और कोई काम धंधा नहीं है, ट्रेन के आने की बात जो हो रहा है, इंतजार कर रहा है, तो बाबा की याद हो गई। अब ऐसे नहीं कि कोई भिखारी निकला, अब किसी ने फूक मारी, ट्रेन ने फूक मारी और उसकी ज्ञान भंग हो जाए, ऐसा होना चाहिए? नहीं, कोई उसको डिस्टर्ब न कर सके। तो सारी उल्टी बात होगी। ग्रह त्यागी सिखाते हैं ब्राह्मण जीवन में, ये सिखाते हैं बाबा के घर ग्रह का क्या कर दो, ऐसा उल्टी बात है।